जिसको को लेकर जीआरसीसी के कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। उन्होंने कहा कि हड़ताल तो वरीय पदाधिकारी कभी भी तोड़वा सकते हैं। जीआरसीसी के कर्मी का वेतन बढ़ती महंगाई में मानदेय घटा देने का आरोप लगाया गया है। उन्होंने कहा कि बढ़ती हुई महंगाई में हम लोग सरकार के हर एक काम को अपनी जिम्मेदारी के साथ करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों का वेतन वृद्धि न कर घटा दिया गया है, ये कैसा इंसाफ है। उन्होंने कहा जब तक सरकार हमारे वेतन में वृद्धि एवं अपने जिले में हस्तांतरण नहीं कर देती तब तक हम लोग हड़ताल पर ही रहेंगे। वहीं हड़ताल होने से जीआरसीसी के विधि व्यवस्था पर काफी असर पड़ रहा है। नीतीश सरकार का गजब की नीति है कि एक तरफ नियुक्तियां बांटने का काम कर रही है तो दूसरी ओर जीआरसीसी कर्मी के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। हड़ताल के 25वें दिन भी काम को बंद कर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि मुझे हड़ताल करने का शौक नहीं है, ये तो हमारी मजबूरी है। 10 अक्टूबर 2023 से हम लोग हड़ताल पे बैठे हैं और ये कब तक रहेगा इसका डिसीजन हमारे विभाग के वरीय पदाधिकारी करेंगे। वो जब चाहेंगे तब तोड़वा सकते हैं। हमारी मांगों को आज मांग लेंगे, हम लोग आज काम पे लौट जाएंगे। मांग क्या है आपकी? मांग है हम लोग का सैलरी घटा दिया गया इस वित्तीय वर्ष में और इससे पूर्व में हमारा मांग है नजदीकी जिला में ट्रांसफर और सेवा 60 साल, इससे पूर्व का मांग है हमारा। और मानदेय में वृद्धि 2 साल तक इंक्रीमेंट हम लोग को नहीं दिया गया, 2 साल पिछला 18-19 में, ठीक है, उसी हम लोग इंक्रीमेंट का लड़ाई है, नजदीकी जिला में ट्रांसफर का हड़ताल है और सेवा 60 साल का हड़ताल है। अब विभाग जब मांग ले तब हम लोग काम पर लौट जाएंगे। हम लोग का इतना कम सैलरी मिलता है कि हम लोग भरण पोषण नहीं कर सकते हैं अपने परिवार को, और ऊपर से 400-500-600 किलोमीटर दूर ट्रांसफर कर दिया गया सबको। सब यहाँ पे आवेदन देते देते हम लोग, हमारा संघ रिक्वेस्ट करते करते हम लोग थक चुके हैं। हम लोग मजबूरन में हम लोग हड़ताल पे बैठे हैं, करो या मरो की स्थिति उत्पन्न हो गई है। मार्च में हम लोग हड़ताल किए थे, उस समय आश्वासन दिया गया था हमारे मुख्य महाप्रबंधक द्वारा कि आपकी मांगों पर विचार किया जाएगा। उसके बाद 8-7 महीना गुजर गया, अभी तक कोई भी हम लोग पे विचार नहीं किया गया। और नहीं तो ऊपर से इस जून में हम लोग का सैलरी कम कर दिया गया, जिसके चलते हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठे हैं और आगे भी बैठे रहेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मनीष कुमार।